हजार फ्लश है जिसको कहते हैं, ये ऐसे इंस्टॉल होता है बाइक में, किसी बाइक में आप फिट कर सकते हो। बहुत लोगों को ना मतलब कि प्रॉब्लम होती है कि फ्लैशर कैसे इंस्टॉल करें, हजार फ्लैशर कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इंस्टॉल करें। तो ये ना फोर वायर का फ्लैशर है, KTM में फाइव वायर का आता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, पर ये फोर वायर की आपको पूरी जानकारी देता हूँ। अपना किसी भी बाइक में लगा सकते हो, चाहे वो स्प्लेंडर है या पल्सर है, कोई भी बाइक मार्केट में जो भी आती है, किसी भी बाइक में लगा सकते हो आप, किसी भी बाइक में। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो दो येलो वायर है ना, ये दोनों येलो वायर इंडिकेटर के पॉजिटिव में जाती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये वाली अपनी रेड वाली, ये प्लस पॉइंट होता है, ये ब्लैक वाली अर्थ, पूरी बाइक की बॉडी में कहीं पर भी आप अर्थ दे सकते हो, ठीक है। आपको मैं ऐसे इंडिकेटर चेक कराता हूँ सिंपल में, मतलब कि कौन सी तार आपने कहाँ पर लगानी है, ठीक है। फ्लैशर आपको अभी लाइव टेस्ट कराता हूँ। जैसे ये दो इंडिकेटर है, ठीक है, ये दो इंडिकेटर, एक स्विच आपने लगाना है ऐसे, ठीक है। आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपने बाइक में लगाने, आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है, कैसे बाइक में लगेंगे। ये दो इंडिकेटर है हमारे पास, इसकी दोनों हमने नेगेटिव वायर को एक जगह प्लस कर लिया है, ठीक है। सिर्फ आपको चलाने के लिए दिखा रहा हूँ कैसे ये चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव वायर है ये हमारी, ये मैंने पॉजिटिव दोनों अलग की हुई है, क्योंकि मैंने फ्लैशर में देनी है, ठीक है। ये अपनी बैटरी है, ये बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, ये स्विच है, ठीक। ध्यान से समझना बात को, आप किसी भी बाइक में फ्लैशर लगा सकते हो, इस वीडियो को देखो, किसी भी बाइक में। सबसे पहले ये फ्लैशर उठा लेना, ठीक है, हजार फ्लैशर। इसकी दोनों तार मैंने आपको है ना बताया, पॉजिटिव में जाएगी इंडिकेटर के। ये हमारे दोनों ब्लू वायर है मैंने इंडिकेटर के लिए हुए, ठीक है। ग्रीन वायर नेगेटिव दोनों मैंने सिर्फ अर्थ में देनी है, और कुछ नहीं करना, बाकी तो बाइक में तो अर्थ होता ही है। ये एक वायर मैंने ये दी येलो में, ठीक है, एक ये होगी अर्थ, दूसरी वायर ये रही, इसको भी हमने पॉजिटिव में दे दी हमने, ठीक है। ये फ्लैशर की दोनों वायर पॉजिटिव में हमने दे दी, बची अपनी रेड वायर जाएगी प्लस में, ठीक है। प्लस में एक स्विच भी हमारे पास, स्विच, ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं, पर मैं आपको स्विच में दिखाऊंगा जैसे बाइक में लगता है, पूरा प्रॉपर काम दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्विच लग गया देखा प्लस में, बैटरी का प्लस है, ये मैंने स्विच दिया है कि ये सिर्फ ऑन ऑफ कर सकूं मैं यहाँ से, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए बस। एक मैंने ये ब्लैक वाली अपनी तार देनी है अर्थ में, ये इंडिकेटर की अर्थ है दोनों ग्रीन वायर, ये फ्लैशर की अर्थ है, इन दोनों को एक जगह कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अर्थ साइड दे दी है, ये अब बची अपनी सिर्फ प्लस वायर, ठीक है। ये इंडिकेटर के राइट साइड में, ये इंडिकेटर के लेफ्ट साइड, दोनों जाने पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में ये गए। ब्लैक वायर अपनी होगी अर्थ, आपको दिख रहा होगा ये अपने प्लस है, ठीक है, प्लस। अब सिर्फ क्या करना है, इंडिकेटर मैंने हाथ में उठाने, इंडिकेटर मैंने हाथ में उठाए, अब आपको चला के दिखाता हूँ लाइव कैसे चलेंगे ये। ध्यान से बात को समझना मेरी को, ये प्लस कर लिया हमने, सारी वायर हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखो इसको फोन किया मैंने, ठीक है, मोड चेक करो, इसके मोड, इसका मोड करता हूँ चेंज, ये देखो दिख रहा है आपको कैसे, इसका मोड एक और बार करता हूँ चेंज, ठीक है। ये फ्लैशर के मोड है, शायद इसमें 18 मोड है, बाकी आप देख लेना आपके पास कौन सा फ्लैशर है। आपको एक और वीडियो आएगी KTM के फ्लैशर की, हज़ार फ्लैशर की, उसमें 5 वायर होती हैं। अगर आपको इसकी फिटिंग की वीडियो चाहिए तो मेरा, आपको फिटिंग की वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है, कैसे फिट होता है। समझ में आपको, कनेक्शन में आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है। ये अपनी दोनों येलो वायर इंडिकेटर के पॉजिटिव में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और ये अपनी रेड वायर जानी है प्लस में, ब्लैक वायर हमने जानी है अर्थ में, ठीक है, समझ आ गया आपको। ना नक्शा बना के समझा देता हूँ ये कैसे होएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये है बैटरी का प्लस, ये माइनस है बैटरी का, ये अपना हजार फ्लैशर, ये ब्लैक वायर, ये रेड वायर, ये दोनों येलो वायर, ठीक है। ये हमारे इंडिकेटर हैं, ठीक है।
ये इसके प्लस पॉइंट है। अब इसकी वायर का आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे लगेगा। सबसे पहले ना हम इंडिकेटर की वायर प्लस कर लेते हैं। ये दोनों येलो वायर इंडिकेटर के पॉजिटिव पॉइंट में जाएगी, ठीक है। ये लगा दी हमने, ये इधर आ गई, ठीक है। एक आ गई ये इंडिकेटर। अब दूसरा जो प्लस पॉइंट है ये भी हम यहाँ से ले आएंगे। ये हमारा दो हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गई। अब ये माइनस, ये दोनों माइनस हमने माइनस में ले आने। ये हमारा माइनस आ गया बैटरी के, ये हमारा इस साइड पे आ गया माइनस, ठीक है। ये माइनस इस साइड आ गया, बचा प्लस रेड वायर और ब्लैक वायर। ये जो फ्लैशर की ब्लैक वायर है ना, ये वैसे तो बाइक के बॉडी में कहीं भी आप अर्थ दे सकते हो, वैसे तो अभी हमने सिर्फ चलाना ही है। ये भी हमने अर्थ में आएगी है, ठीक है। ये भी हमारी अर्थ में आ गई। अब जो हमारी रेड वायर है ये प्लस में आएगी, ये आ गया हमारी प्लस में। इसका कनेक्शन ऐसे होएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, आपको समझ आ जाएगा ये कैसे लगाना है। स्पोर्ट बाइक से जुड़ी कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं चाहिए तो फिर भी करें, हमको ज़रूरत की। वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी किया करो यार हमारे चैनल को। पता कितनी अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझाता हूँ आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही।